हेलो दोस्तों, आप सभी को उमा की रसोई में स्वागत है। फ्रेंड, बड़े से लेके बच्चों को भी पसंद आएंगे मोमोज। आज की मार्केट से भी बहुत अच्छे खाने में, सॉफ्ट और एकदम मुलायम। चलो दोस्तों, इसको बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले लेंगे 2 गाजर, इनको कद्दूकस कर लिया है बारीक। 2 प्याज को चॉप कर लिया है, और 2 ही हमने लिए शिमला मिर्च, और 1/2 किलो लिया है पत्ता गोभी। इन सारी सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, और इसको मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, सब्जियों में से बहुत अच्छे से पानी रिलीज हो जाएगा। इसको रख देते हैं हम साइड में 5 मिनट के लिए। तब तक हम मैदा का डो लगा के तैयार कर लेंगे। सबसे पहले लिया हमने 2 कटोरी मैदा, फिर उसमें डाल दिया 1.5 चम्मच ऑयल, और फिर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद इनको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे एक दूसरे में इस तरीके से। दोस्तों, आपको पता है जब मोमोज़ का आटा गूंथते हैं तो उसमें ऑयल नहीं डालते, मगर मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जो मोमोज़ बनके जब वो ऊपर से ना सूखे सूखे से लगेंगे ना, तो थोड़ा सा इसमें ऑयल रहेगा तो सूखा सूखा बिल्कुल नहीं लगेगा, इसलिए मैंने इसमें ऑयल डाला है थोड़ा सा। अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसका एक आटा लगा के तैयार कर लेंगे मैदा का। ये देखो इस तरीके से। अब एक कोई भी हम सूती कपड़ा लेंगे और इसको ढक के छोड़ देंगे इस तरीके से। अब सब्जियों में से देखो काफ़ी पानी हद तक रिलीज हो चुका है, तो क्या करेंगे, हम एक सूती कपड़ा लेंगे, एक बाउल के ऊपर इस तरीके से रखेंगे, और उसमें हम सारी सब्जियों को इस तरीके से चम्मच की मदद से डाल देंगे। और डालने के बाद क्या करेंगे, इस तरीके से हम इस कपड़े को अच्छे से बंद कर लेंगे। देखो इस तरीके से बंद कर लिया है, तो ये देखो कितना सारा पानी निकला है सब्जियों में से। इसी तरीके से हम दूसरा भी निकाल लेते हैं। ये देखो दोनों मैंने इसी तरीके से दोनों बार निचोड़ लिया है, और पानी कितना सारा इकट्ठा हुआ है। इसको सब्जी में यूज़ कर सकते हो, आटे में भी ले सकते हो। ये मोमोज़ की चटनी मैंने दोस्तों पहले ही बना के रख ली है। अगर आप सभी को मोमोज़ की चटनी की रेसिपी चाहिए तो दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों को मोमोज़ की चटनी की रेसिपी ज़रूर दूंगी। गैस पर रखेंगे फ्राईदान, उसमें डालेंगे बस जरा सा तेल, मतलब 1/2 चम्मच के करीब तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाएगा तो बारीक कट किया हुआ लहसुन और अदरक डालेंगे, इनको हल्का सा भुनने देंगे। भुनने के बाद क्या करेंगे, 2 डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इनको भी भून लेते हैं। ये देखो इस तरीके से ये मैंने भून लिया है। तो क्या करेंगे, अब मैंने वो जो सारी सब्जियों का पानी निचोड़ के रखा था उनको डाल देंगे। दोस्तों ये होता है, अगर हम जल्दी से पानी निचोड़ लेते हैं ना, तो हमारे मोमोज ये सब्जियाँ बिल्कुल अच्छे से फ्राई जल्दी हो जाएंगी। नहीं तो बहुत सारी सब्जियों क्या है, पक जाती है तो मोमोज़ खाने में अच्छे नहीं लगते, इसलिए हम पानी को निचोड़ लेंगे। और इसको क्या है, हमें पूरा नहीं पकाना, हम इसको आधा पकाएंगे। बस इसमें मैं कुछ मसाले डालूंगी, जैसे कलर के लिए हल्दी पाउडर आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं इसको स्किप भी कर सकते हो, मगर मैं डाल रही हूँ। फिर क्या करेंगे, फिर डालेंगे हम काली मिर्च का पाउडर। दोस्तों अगर पाउडर हो तो पाउडर भी डाल सकते हो, नहीं आप इसको क्या करें कूट के भी डाल सकते हो। ये मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, और इनको बढ़िया से मिक्स कर लेती हूँ। बस इतना ही हम पकाएंगे, और इसको एक प्लेट में ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इधर मैं मैदा के आटे को चेक कर लेती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है दोस्तों इस तरीके से। तो क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा और गूंथ लेंगे मैदा को इस तरीके से। हम मैदा को गूंथ लेंगे और पूरी जैसे मैदा को बेल के तैयार कर लेंगे, और इस पे 1 चम्मच जो हमने मोमोज़ का मसाला बना के रखा था उसको डाल देंगे। और इस तरीके से जिस तरीके से हम साड़ी की प्लेट लगाते हैं साड़ी में, उस तरीके से मोमोज़ को बंद करते जाएंगे। ये देखो आप लोग इस तरीके से भी बना सकते हो, और आप इसको ऊपर से दबा भी सकते हो। और मैं दूसरी भी मोमोज़ बना के आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ,
ये देखो इस तरीके से एक के ऊपर एक इस तरीके से प्लेट लगाते हुए लाना है मोमोज को। बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाती है दोस्तों, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता और मार्केट में काफ़ी महंगी मिलती है। तो सर्दी का मौसम है, मोमोज बना के खाओ घर में, बड़े से लेके बच्चों को बना के खिलाओ। अब क्या करेंगे, इस तरीके की हम जाली वाली छन्नी लेंगे, जाली वाली छन्नी को बढ़िया से ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। ऑयल से इसलिए ग्रीस करना है क्योंकि हमको मोमोज इसके ऊपर स्टीम करना है और मोमोज की गैप इतना होना चाहिए क्योंकि मोमोज स्टीम होने के बाद फूल जाते हैं, तो फूलेंगे ना तो दोस्तों चिपकेंगे नहीं अगर आप लोग गैप रखोगे तो। ये देखो एक बैच में इतना बनाऊंगी। ये लिया मैंने भगोना, भगोना में डाल दिया 1 लीटर पानी। आप चाहो तो कढ़ाई भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भगोना में ही बनाओ। गैस को कर देंगे चालू और ये जो छन्नी है ना मोमोज वाली, इसको इस तरीके से रख देंगे। रखने के बाद क्या करना है, हम इसको कवर करेंगे। इस तरीके की कोई भी बड़ी थाली या प्लेट हो आप उससे इसको कवर कर दे बढ़िया से, और इसको पकाएंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के बाद इसको चेक करें मोमोज को, बिल्कुल बहुत परफेक्ट बन के तैयार होंगे। दोस्तों मेरे हो गए 20 मिनट के करीब और देखो मोमोज बन के हो गए रेडी, कितने फूल चुके हैं मोमोज आप सभी को देख के ही समझ में आ रहा होगा। देखो पक जाते हैं ना तो इनके अंदर की सब्जियां ऑटोमेटिक दिखने लगती है, तब हमको समझ में आ जाता है कि मोमोज हमारे बन के हो गए हैं रेडी। इनको नीचे उतार लेते हैं, ये नीचे उतार लिया है, नीचे उतारने के बाद ये हो चुके ठंडा। तो क्या करेंगे, अब मोमोज की लगाएंगे हम प्लेट। इस तरीके से एक प्लेट में मोमोज को निकाल लेंगे। आप चाहो तो स्टीम भी कर सकते हो, आप चाहो तो फ्राई भी कर सकते हो, आपको जो पसंद है आप लोग उस तरीके से बना सकते हो। और ये डाल रही हूँ फाइनली मैं मोमोज की चटनी। देखो दोस्तों देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं, तो यकीन मानो आप लोग एक बार इसको बना के खाओगे ना तो बहुत टेस्टी लगेगा। चलो दोस्तों मैं अब आप सभी को मोमोज एक तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ये देखो दोस्तों, इसलिए मैंने ऑयल डाला था आटे में। देखो अब आपको ड्राई सूखे जैसे नहीं लग रहे और देखने में भी कितना प्यारा कलर आया मोमोज का बन के, इसलिए मैंने मैदा के आटे में मोहन डाला था। अब ये तो मैंने आपको तोड़ के दिखा दिया, इसको रख देते हैं साइड में। अब एक मोमोज मैं आप सभी को चटनी में भी दिखाऊंगी। दोस्तों मैं आप सभी को याद दिला दूं, अगर आप सभी को आज की मेरी मोमोज की रेसिपी पसंद आए तो नीचे लाइक का बटन है, आप लोग मुझे लाइक कर सकते हो। अगर नहीं आया दोस्तों तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो, मगर आप लोग कर जरूर दिया करो, इससे ये पता चल जाता है हमारी रेसिपी आपको कैसी।